नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेवसाइका। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो तरीके के काजू की रेसिपी। आज हम बनाएंगे ड्राई रोस्ट काजू सिर्फ नमक वाले, और इसी के साथ हम सेकंड रेसिपी बनाएंगे बटर मसाला काजू। दोनों काजुओं को हम ड्राई रोस्ट करने वाले हैं अपने पुराने इंडियन तरीके से। पहले के लोग नमक में या बालू में चीज़ों को रोस्ट करते थे। ये चीज़ों को रोस्ट करने की एक पुरानी टेक्निक है। आपने अब भी देखा होगा जो ठेली पे पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, मूंगफली मिलती हैं, या तो बालू की मिट्टी में और या फिर नमक में मूंगफली को, पॉपकॉर्न्स को जो ड्राई रोस्ट करते हैं वो उसी टेक्निक से करते हैं। तो आज मैं भी वही टेक्निक अपनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत अच्छे ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। आप इस तरीके से भी घर पे बहुत अच्छे काजू रोस्ट कर लेते हैं। दूसरा, अगर हम काजू को घी में या बटर में फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो जो काजू है ना, बहुत ज़्यादा हमारा बटर या घी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही नहीं, साथ में उसमें बहुत सारी क्वांटिटी घी की वेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बचने के लिए हम एक टेक्निक अपनाते हैं ड्राई रोस्ट की। तो आज उसी तरीके से हम यहाँ पे काजू को रोस्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो काजू, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी। और 2 चम्मच पानी आप ज़रूर ज़रूर डालें, ये पहली टिप है पानी डालने की। पानी डालने से क्या होगा, जो हमारे काजू है ना, उसके ऊपर एक बहुत हल्की सी बारीक लेयर आ जाएगी पानी की। हमें काजू को सॉफ्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक हल्की सी लेयर देनी है, एक तरीके से कोटिंग करनी है पानी की। इससे क्या होगा कि जो आपका काजू है वो धीरे धीरे ये भुनने के प्रोसेस में आएगा। तो हमने ये चीज़ क्यों करी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अब ली है एक कढ़ाई, हैवी बॉटम की हमें कढ़ाई लेनी है, और उसमें मैंने डाल दिया है नमक। ये नमक मैंने पहले भी ड्राई रोस्ट के लिए यूज़ किया हुआ था, तो वही नमक मैं अब दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। नमक ख़राब नहीं होता और ना ही नमक जलता है। ये सारा प्रोसेस हमें बहुत ही लो हीट पर करना है। तो मैंने यहाँ पे लो हीट पर नमक को गर्म कर लिया था। जब नमक गर्म हो गया था तो इसमें मैंने काजू डाल दिए थे। पूरे प्रोसेसिंग में हमारी हीट बिल्कुल सिम रहेगी, बिल्कुल लो रहेगी, और हमें काजू को अलट पलट करके कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें इन्हें भूनना है। अगर आप काजू को चलाना छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, जो नीचे काजू हैं वो सारे जल्दी रोस्ट हो जाएंगे, और जो काजू ऊपर की लेयर पर हैं वो रोस्ट नहीं होंगे, इक्वली रोस्टिंग नहीं होगी। अब मैं बताती हूँ मैंने यहाँ पे पानी क्यों डाला था काजू में, क्योंकि पानी डालने से क्या होगा, काजू के ऊपर ना एक पानी की लेयर बन जाएगी। तो जब हम काजू को डालेंगे तो काजू एकदम से जलेंगे नहीं, वो एकदम से हीट नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि जो उसका पानी है तो उसकी हीट है उसको कंट्रोल कर लेगा। और दूसरा क्या है, हम डाल रहे हैं नमक के अंदर काजू, तो पानी और नमक का जैसे ही कांटेक्ट होगा तो नमक पिघल जाएगा पानी से, और जो हमारा काजू है वो एकदम से नमक को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और काजू नमकीन हो जाएगा। और दूसरा, ये हमारे हीटिंग लेवल को कंट्रोल करता है, और आपको धीरे धीरे करके ये सारे काजू एक साथ रोस्ट कर लेने, और आप देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है काजू पे। सारे काजू एक सार बिल्कुल एक ही कलर में रोस्ट हुए हैं। और इसके बाद मैंने ली है एक छानने वाली छन्नी। आप थोड़ी सी मोटी छन्नी लीजिए जिससे नमक एक साथ ड्रेन हो जाए। अगर आप बारीक छन्नी लेंगे ना तो उससे नमक जल्दी से छनेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे पूरी छानने वाली छन्नी ली थी, और मैंने जैसे ही इसमें से काजू निकालने स्टार्ट करे तो काजू का नमक एक साथ छन गया, काजू पे बिल्कुल भी नमक नहीं आएगा, क्योंकि जितना एब्जॉर्व करना था काजू ने अपने अंदर पानी के साथ मिलकर नमक को एब्जॉर्व कर लिया है। इसके बाद हम नमक को बिल्कुल अलग कर देंगे और बिल्कुल क्लीन काजू हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि नमक काजू पे चिपका पड़ा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और इस प्रोसेस को करने से पहले आप यहाँ पे गैस को बंद कर दें, क्योंकि जितनी देर में हम काजू छानेंगे ना उतनी देर में जो नीचे के काजू हैं वो और ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। देखिए मैंने सारे काजू निकाल लिए हैं, सारे काजू इवनली रोस्ट हुए हैं, मैंने आपको हाथ में भी लेके दिखाए हैं कि कहीं भी नमक नहीं है। इसके बाद हमें जितने काजू ड्राई रोस्ट चाहिए उन्हें हम ड्राई रोस्ट ले लेंगे। जो लोग बटर अवॉइड करते हैं, देसी घी अवॉइड करते हैं, वो यहाँ पे प्लेन नमक के काजू खा सकते हैं, और जिन लोगों को बटर या ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए हम कर रहे हैं बटर मसाला काजू। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक फ्राई पैन लिया है और उसमें डाला है मैंने बटर। बटर मैंने यहाँ पे 50 ग्राम डाला है, और जैसे ही मैंने बटर डाला है साथ ही साथ मैंने डाल दिए हैं बेसिक से मसाले। इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर,
साथ में डाली है मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर। इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ पे मैंने नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और थोड़ी सी मैंने डाली है पिसी हुई काली मिर्च। नमक का यूज़ मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि बटर में भी नमक होता है, चाट मसाले में भी नमक है और जो काजू हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसके अंदर भी नमक है, तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे ही बटर मेल्ट हो गया था मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था क्योंकि बटर बहुत जल्दी हीट पकड़ लेता है और वो जल जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से कोट कर लिया है सारे मसाले और बटर के साथ काजू को। और जैसे जैसे आप काजू को बटर में रोस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे जो काजू है वो बटर को सोक करता जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि काजू बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ऑयल और घी एब्जॉर्व करता है अपने अंदर, तो ये सारा बटर जितना भी हमने डाला है ना ये सारा काजू धीरे धीरे खुद एब्जॉर्व कर लेगा और जो आपके काजू हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। और जब आप ये काजू बनाएंगे जितनी जल्दी ये काजू बनते हैं ना उससे ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट पैक करना है, आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, नाश्ते में कुछ रखना है, तो आप इस तरीके से काजू के दो फ्लेवर बना के नाश्ते में रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल ये काजू बनते हैं। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, बटर भी घर में होता है और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ये प्रोसेस देसी घी में भी कर सकते हैं। और अगर आपको देसी घी में भी नहीं करना है तो आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस सिर्फ 5 मिनट चाहिए और हमारे दो तरीके के काजू फ्लेवरफुल तैयार हो जाएंगे। आपको हमारे काजू की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमें आपके कमेंट्स का बहुत बहुत इंतज़ार रहता है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने नेबर्स के साथ हमारे चैनल को, हमारी रेसिपीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पसंद आ रही हैं रेसिपीज़ तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो कल फिर मिलते हैं ठीक 11:30 बजे एक नई रेसिपी के साथ। और हमें देखने के लिए, प्यार करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।